नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं दल की परीक्षाओं को लेकर क्या निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं MPPSC की परीक्षा को लेकर अभी भी निर्णय जो है संशय में बना हुआ है, उस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी जिला कलेक्टर के जो अलग अलग जिला हैं उनके जो लेटर हैं उनको मैंने स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया है कि किस प्रकार परीक्षा को लेकर तैयारियां जारी हैं। तो आइए देख लेते हैं 12th की परीक्षा को लेकर क्या निर्णय है। जैसा कि CM शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है अपने ट्वीट के माध्यम से कि 12th की जो परीक्षा है वो रद्द की जाती हैं। ठीक है, तो पूरी खबर ये इस प्रकार है कि आप देख सकते हैं कि 12th की जो परीक्षा है जो आयोजित होना थी उसे अभी के लिए स्थगित कर दिया गया। आगे के लिए कोई भी अभी जो है निर्णय नहीं लिया गया है। तो आइए देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। तो जैसा कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को यानी कि आज की तारीख में जो है घोषणा कर दी है कि जल्द ही 12वीं की परीक्षा की जो मूल्यांकन नीति है वो जारी की जाएगी। ठीक है, फिलहाल जो वो 12वीं की परीक्षा होनी थी, जो बोर्ड परीक्षाएं होनी थी, इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। ठीक है, बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए अनमोल है, ऐसा शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है। ठीक है, आप उनके ट्विटर हैंडल पर भी ये खबर देख सकते हैं जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता दिए। वहीं करियर की चिंता हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल हमारे लिए जान है यानी जान बचे तो लाख उपाय। ठीक है, बच्चों पर जिस प्रकार कोविड महामारी का जो बोझ है उससे उनका मानसिक बोझ भी बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से हम उन पर जो तनाव है वो नहीं डाल सकते। इसको लेकर हुए राज्य मंत्री जो हैं स्कूल शिक्षा मंत्री, उन्होंने परीक्षा को लेकर ये संकेत दिए थे। तो अब शिवराज सिंह चौहान जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल तो परीक्षा करा पाना असंभव है, इसलिए उनको रद्द किया जाना ही सही रहेगा। तो CBSE की जो परीक्षाएं थी 12th की वो भी रद्द कर दी गई थी। ठीक है, उनके रद्द होने के पश्चात ही शिवराज सिंह चौहान जी ने ये निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ये अच्छा निर्णय है क्योंकि जिस समय कोरोना अपने पीक पर है तो उस समय ये परीक्षाएं आयोजित कराना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। जो MP की जो परीक्षाएँ 30 अप्रैल से 19 मई तक होनी थी, ठीक है, या फिर उन्हें क्या कर दिया, जो 10वीं की परीक्षाएं थी 30 से 19, वहीं 12वीं की जो परीक्षाएं 1 मई से 21 मई तक आयोजित होना थी, तो अब उन्हें स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, अन्य राज्यों की भी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं और CBSE ने भी अपनी परीक्षाएँ स्थगित कर दी है। अब देखते हैं कि MPPSC को लेकर क्या निर्णय आता है, वो हमारे लिए इंतज़ार का विषय रहेगा। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।